हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं सुपर टेक गणेश। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं, इसके प्रोसेस के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि कैसे आप बिना एटीएम के फोन पे अकाउंट बना सकते हैं, फोन पे के साथ बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ सकते हैं और फोन पे से ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप फोन पे ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका पहले से फोन पे ऐप इंस्टॉल है तो एक बार आप प्ले स्टोर में आके ये जरूर चेक कर ले कि आपके फोन पे ऐप में अपडेट तो नहीं आया है। अगर अपडेट आया है तो एक बार ऐप को जरूर अपडेट कर ले। दोस्तों ऐप को अपडेट करने से क्या होता है कि उसमें जो भी न्यू फीचर्स आती है, जो भी नया ऑप्शन आता है वो आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप फोन पे ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, आपके मोबाइल में फोन पे ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे इंस्टॉल करने का लिंक दे दूंगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से फोन पे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से फोन पे ऐप को डाउनलोड करते हैं और अकाउंट बनाते हैं तो आपको ₹100 का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो चलिए हम फोन पे ऐप को ओपन करके देखते हैं कि हम इसमें कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे बिना एटीएम के। अब जैसे आप फोन पे ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार पहला इंटरफेस आएगा। सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। देन मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपका फोन पे अकाउंट बन जाएगा, आप फोन पे ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको डिवाइस लोकेशन एक्सेस अलाउ करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस अलाउ करेंगे, फोन कॉल का एक्सेस अलाउ करेंगे, SMS मैसेज का एक्सेस अलाउ करेंगे। तो देख सकते हैं फोन पे अकाउंट बन चुका है, इस तरीके से आपका भी फोन पे अकाउंट बन जाएगा। अब दोस्तों आपको फोन पे यूज करने के लिए फोन पे के साथ बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है, तो दोस्तों फोन पे से भी आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो आप फोन पे से अगर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बैंकों का लिस्ट आ जाएगा, यहां से बैंक को चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों फोन पे ऐप से बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप फोन पे से बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम बिना एटीएम के फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम बिना एटीएम कार्ड के फोन पे का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बिना एटीएम के फोन पे अकाउंट बनाने के लिए अब आपको भीम ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में, और भीम ऐप में आपको अकाउंट बनाना होगा। भीम ऐप NPCI का ऑफिशियल UPI ऐप है, जिसमें आपको आधार कार्ड से UPI पिन सेट करने का फीचर्स मिल जाता है। आप एक बार भीम ऐप में अकाउंट बनाने के बाद बैंक अकाउंट में जैसे ही UPI पिन को सेट कर लेते हैं आधार कार्ड से, तो इसके बाद आप फोन पे का भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं भीम ऐप में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे और आधार कार्ड से UPI पिन को कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों भीम ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप भीम ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए मेरा इंस्टॉल है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करेंगे तो कुछ सेकंड वेट करें। अब आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। सबसे पहले लैंग्वेज को चूज़ कर ले, किस लैंग्वेज आप आपको चलाना चाहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर लेता हूँ। अब लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो अगर आपके मोबाइल में 2 SIM कार्ड लगा है तो आप चूज़ कर ले कि कौन वाला सिम का नंबर आपके बैंक के साथ लिंक है और आप किस नंबर से फ़ोन पे अकाउंट बनाए हैं। तो चलिए हम सिम को सेलेक्ट करते हैं। अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, कुछ सेकेंड आप वेट करेंगे तो देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना होता है भीम ऐप में लॉगिन करने के लिए। जब भी आप नेक्स्ट टाइम भीम ऐप पे लॉगिन होंगे तो इस पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो आप अपने हिसाब से जो 4 डिजिट आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे दोनों जगह एंटर करें। चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कीपैड पे राइट आइकन दिख रहा है, राइट आइकन पे क्लिक कर दे, कुछ सेकंड वेट करें। अब आपके सामने बैंकों का लिस्ट आ चुका है। अब आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप चूज करें। चलिए मैं अपना बैंक को चूज कर लेता हूं। अब जैसे ही बैंक को चूज करेंगे कुछ सेकंड वेट करेंगे, अब आपका अकाउंट आ चुका है। आप अकाउंट डिटेल को सिलेक्ट करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने के लिए अब आपको अपने बैंक अकाउंट में UPI पिन को सेट करना है। UPI पिन सेट करने के बाद ही आप फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड कर पाएंगे और फोन पे से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे।
तो सिंपल यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको ऊपर बैंक अकाउंट डिटेल दिख रहा है, बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब फिर से आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे शो होगा, तो सिंपल आप बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सेट यूपीआई पिन का, देख सकते हैं आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल आप सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यूपीआई पिन सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक डेबिट कार्ड का और एक आधार नंबर का। तो आपके पास डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको नीचे प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब टर्म और कंडीशन को रीड करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, अब आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है क्रिएट यूपीआई पिन यूजिंग योर आधार डिटेल्स, यानी आधार डिटेल्स देके आप यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। तो सिंपल आप आधार नंबर के फर्स्ट 6 डिजिट को यहाँ पे एंटर करेंगे, लास्ट का 6 डिजिट आपको एंटर नहीं करना है। जैसे ही आप फर्स्ट का 6 डिजिट एंटर कर देंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं अपने आधार का फर्स्ट 6 डिजिट एंटर कर देता हूँ। देख सकते हैं जैसे आप आधार नंबर के फर्स्ट 6 डिजिट को एंटर करते हैं आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, देन आपको कीवर्ड पे राइट आइकन दिख रहा है, राइट आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आधार ओटीपी डाल देते हैं, अब आपको बैंक की ओर से भी एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको कीवर्ड पे राइट आइकन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप बैंक ओटीपी डाल देते हैं, अब आपको यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो यूपीआई पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दें, इसके बाद आप सबमिट कर दें। अब एक बार यूपीआई पिन को एंटर करने के बाद आपको दोबारा यूपीआई पिन को कंफर्म करना होता है, तो फिर से आप यहाँ पे यूपीआई पिन को एंटर करें। अब देख सकते हैं जैसे यूपीआई पिन को आप कंफर्म कर लेते हैं आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुल सेट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है यूपीआई पिन सेट डाउन सक्सेसफुल, यानी मेरा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। अब दोस्तों जैसे आप यूपीआई पिन को सेट कर लेते हैं, अब आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, भीम ऐप से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप फोन पे में बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे। अब आप फिर से फोन पे ऐप को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं मैं ओपन कर लिया हूं, आपको लॉगिन हो जाना है फोन पे ऐप में। अब दोस्तों डैशबोर्ड पे ही आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड बैंक अकाउंट का, तो सिंपल आप ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने बैंकों का लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ से आप अपने बैंक को चूज करेंगे जिस बैंक में अकाउंट है और जिस बैंक अकाउंट में आप यूपीआई पिन सेट कर रखे हैं भीम ऐप से, उसी बैंक को आपको चूज करना है। अब जैसे ही आप बैंक को चूज करते हैं आपका बैंक अकाउंट फीडिंग किया जा रहा है, तो देख सकते हैं अब आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आ चुका है और आपका यूपीआई आईडी भी क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल आपको प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर देना है। आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका अकाउंट डिटेल फिर से वैलिडेशन किया जाएगा। तो देख सकते हैं आपका अकाउंट का टोटल डिटेल यहाँ पे शो होगा, साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, यानी अकाउंट ऐड हो चुका है। और नीचे देख सकते हैं यूपीआई आईडी मेरा शो हो रहा है और यहाँ पे बताया गया है यूपीआई पिन एग्जिट फॉर दिस अकाउंट, यानी मेरा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। अब सिंपल आपको डाउन ऑप्शन दिख रहा है, डाउन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप फोनपे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपके फोनपे में सक्सेसफुली बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों अगर आपको फोनपे से किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से पैसे लेने हैं या फिर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, तो आपको डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टू मोबाइल नंबर का, तो आप मोबाइल नंबर से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं अपने अकाउंट से। आपको ऑप्शन मिलता है टू बैंक यूपीआई आईडी का, आप बैंक अकाउंट डिटेल डाल के किसी को पैसे भेज सकते हैं, यूपीआई आईडी से पैसे भेज सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है चेक बैंक बैलेंस का, तो इस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आप अपने फोन पे यूपीआई आईडी से किसी से भी पैसे ले सकते हैं, या फिर आप जिस मोबाइल नंबर से फोन पे अकाउंट क्रिएट किए हैं उस मोबाइल नंबर से भी आप किसी से पैसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना एटीएम के फ़ोन पे अकाउंट बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है, वो भी लेटेस्ट प्रोसेस में कि कैसे आपको फ़ोन पे में बिना एटीएम के अकाउंट बनाना है और कैसे आपको फ़ोन पे का यूज करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर।